काम के लिए किक या मोटिवेशन कई बार कई लोग ढूंढते हैं, पर एक बात याद रखिए, आजकल की जो जनरेशन है हमें इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वास्ट अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज और रिसोर्सेस हो गया है, जिसकी वजह से हम पढ़ते तो बहुत है, गूगल पे रिसर्च भी करते हैं, यूट्यूब पे पढ़ते भी रहते हैं और पढ़ते ही रहते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि 24 घंटे तक लोग पढ़ते हैं, तब पढ़ते वक्त उनको किक लगती है क्योंकि उनकी बीटा वेव्स यानी काम करने के वेव्स एक्टिवेटेड रहते हैं, पर जब एक्चुअल एक्शन लेने की बारी आती है तो क्या होता है, एक्शन लेने के लिए बीटा वेव्स नहीं अल्फा वेव्स की जरूरत होती है। यानी सोचिए कि अगर आप ऑटो रिक्शा चला रहे या कार चला रहे और अब आपको किसी बच्चे को सुलाना है यानी एक्शन करना है, तो आपको थोड़ा स्लो डाउन होना पड़ेगा। वैसे हमारे ब्रेन को थोड़ा स्लो डाउन होना पड़ता है, तब जाके हम वो जो नॉलेज है वो अब्सॉर्ब करके फिर एक्शन ला पाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि अगर किक भी ना मिले, अगर आपको लगे भी ना, फिर भी आप काम करते रहिए, क्योंकि आप स्लो डाउन हो गए हैं, तो स्लो डाउन में काम करना बहुत अच्छा होता है, वो रिजल्ट लाता है।